माही कब तक नहीं खेल पाएंगे मैच। सीएसके के सीईओ ने धोनी की सर्जरी को लेकर दिया है बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके स्पोर्ट के कौन वीडियो में। तो दोस्तों क्या आज की अपडेट बताएंगे सब कुछ वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही मैदान पर वापसी करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों काशी विश्वनाथ ने एक बार फिर से धोनी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। बता दें कि हाल ही में आईपीएल 2023 के बाद भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाएं घुटने का मुंबई में सफल ऑपरेशन हुआ। दरअसल आईपीएल 2023 के दौरान धोनी घुटने के दर्द से परेशान थे। दर्द के बाद भी माही ने पूरा टूर्नामेंट खेला है और टीम को जीत भी दिलाई है। ऐसे में आईपीएल के खत्म होने के बाद उन्होंने अपने घुटने की सर्जरी कराया था। वहीं अब सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने धोनी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि हमने उनसे कभी भी इस तरह की बातें नहीं की हैं। क्या आप आगे खेलना चाहेंगे या आप बाहर बैठना चाहेंगे? अगर धोनी नहीं खेलना चाहते हैं तो वो सीधे इस बारे में बता देते हैं। सीएसके सीईओ ने कहा कि यकीनन धोनी के लिए दर्द के साथ पूरा टूर्नामेंट खेलना चुनौती भरा रहा होगा, लेकिन टीम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनका नेतृत्व और टीम को कैसे फायदा होता है यह सभी जानते हैं। उस नजरिए से आपको उसकी सराहना करनी होगी। सीईओ ने आगे कहा कि फाइनल में सबसे पहले तक उन्होंने अपने चोट को लेकर कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा था। फाइनल के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मेरी सर्जरी होगी। उसने अपनी सर्जरी पूरी कर ली है, वह काफी खुश हैं और ठीक भी हो रहा है। काशी विश्वनाथ ने आगे कहा कि फाइनल के तुरंत बाद उसने हमें बताया कि वह मुंबई जा रहा है घुटने की सर्जरी के लिए और फिर वहां से वह अपने घर रांची जाएगा जहां वो आराम करेगा। सीएसके के सीईओ ने आगे कहा कि मुंबई में ऋतुराज की शादी के बाद मैं उनसे मिलने गया था, वह काफी सहज लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वह 3 सप्ताह तक आराम करेंगे और फिर अपना रिहैब शुरू करेंगे और जैसा उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2 फरवरी तक नहीं खेलेंगे, हमें उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। धोनी को लेकर सीईओ ने आगे कहा कि उसे पता है कि आगे उसे क्या करना है, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है, वह हमें खुद बताएंगे कि आगे उनका क्या प्लान है। आगे वो कुछ भी फैसला करेंगे वो सबसे पहले श्री निवासन को सूचित करेंगे, किसी और को नहीं। वास्तव में वह उनके साथ सीधा बात करते हैं, फिर वहां से हमें उनके आगे के प्लान के बारे में पता चलेगा। साल 2008 से ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। तो दोस्तों आज के अपडेट बस इतना ही। आपके खबर कैसी लगे कमेंट बॉक्स में, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।